फ्रेंड्स, माय नेम इज मंजन। आज हम बात करेंगे DHFL के बारे में। और एक और नोटिफिकेशन आया है, ये केयर रेटिंग्स, जो रेटिंग कंपनी है वो रेटिंग देती है किसी भी स्टॉक या उसके प्रोडक्ट को। तो केयर रेटिंग कंपनी से ये लेटर निकल के आया है, और रेटिंग अगर चेंज हुई होती तो इसके अंदर दिखा दिया रहता। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोन्स, डेप्थ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें हैं। इतना टोटल अमाउंट इन्होंने मार्केट से उठाया है और हर एक पेपर के ऊपर इनको रेटिंग मिली है। तो यही एक न्यूज़ है, ताकि आपको भी आइडिया आ सके इस रेटिंग के बारे में। और अगर रेटिंग चेंज हो जाती थी तो वो भी काफ़ी दिक्कत स्टॉक के अंदर देखने को और मिल सकता है। लेकिन आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा स्टॉक के अंदर भी। और जो रेटिंग्स इसकी थी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की, उन्होंने अमाउंट उठाया 17,655 करोड़, और जो रेटिंग थी AAA स्टेबल, तो अभी भी वो बरकरार हैं। रीअफर्म्ड किया है कंपनी ने। सबऑर्डिनेट डेप्थ 2205 करोड़ का इन्होंने उठाया, उसके ऊपर भी केयर AAA+ रेटिंग और स्टेबल रखा है कंपनी ने। और परपेचुअल डेप्थ 1300 करोड़ के करीब इन्होंने लिया है, उस पर भी स्टेबल रेटिंग है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स 29,000 करोड़ के इन्होंने लिए हैं, उस पर भी केयर AAA रेटिंग है, वो भी स्टेबल। और इसका अगर आप देखेंगे कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 750 करोड़ का है, और इस पर भी रेटिंग अगर देखेंगे तो केयर AA+ है, स्टेबल रेटिंग है। फिक्स डिपॉजिट इनका जो प्रोग्राम है उसके अंदर 20,000 करोड़ इन्होंने उठाए हैं, और इस पर भी केयर AAA रेटिंग है, स्टेबल रेटिंग है। कॉमर्शल पेपर्स, जो बात चल रही है कि 200 से 300 करोड़ के कॉमर्शल पेपर्स DSP ने सेल किए हैं, तो इनके टोटल कितने हैं वो आप देख लीजिए। 15,000 करोड़ के इनके कॉमर्शल पेपर्स हैं, उसमें से 200 से 300 करोड़ DSP ने बेच दिए। तो इसके ऊपर भी जो रेटिंग है वो आप देख सकते हैं, केयर A1+ की रेटिंग है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ जो इन्होंने ले रखी हैं, जहाँ से ये लोन लेते हैं, 42,713 करोड़ इन्होंने उठाए हैं, और इनकी रेटिंग है AAA स्टेबल। तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। और वापस से कन्फर्मेशन केयर रेटिंग कंपनी एजेंसी से इनको मिली है, तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं देखने को मिली है। तो आप भी ये अपडेटेड रहें जिनके पास ये स्टॉक्स है और जिन लोगों ने ले रखा है। तो आज इसी के बारे में बताना था, ताकि आपको भी आइडिया आ सके इन सारी चीज़ों के बारे में जो चल रही है मार्केट में।